जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। और कैसे इस संसार में अपनी मनोकामनाओं को आप पूरा कर पाएं, इस संसार के सुख को कैसे भोग पाएं, उसके लिए भगवान शिव के शब्द क्या हैं, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के द्वारा वो बताए गए रहस्य जो ब्रह्मा जी को उन्होंने बताया, और वो रहस्य ब्रह्मा जी ने नारद जी तक पहुंचाया, और नारद जी के माध्यम से हमारे ग्रंथ विंध्येश्वर संहिता रुद्र संहिता के अंतर्गत जो उपाय लिखे गए, वो मेरा प्रयास है कि मैं आप सब तक पहुंचाऊं। और इस उपाय को करने से कितना भी कुंडली खराब हो, कितने भी ग्रह खराब हो, और कितने भी अभी तक पाप कर्म किए गए हो, लेकिन ये वो उपाय है जो आपको आपके जीवन के, बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरा दुर्भाग्य है, और वास्तविकता में देखा जाए तो मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, लोगों को सुनता हूं, कुछ भी किया जा रहा है, लेकिन घर में सुख तो मिल ही नहीं रहा है, घर में प्रसन्नता तो आ ही नहीं रही है, पैसा आ बाद में रहा है, निकल पहले जा रहा है, कभी वो धन रोग पर खर्च हो जा रहा है, कभी वो धन शत्रुता पर खर्च हो जा रहा है, कभी वो धन किसी और चीज पर खर्च हो जा रहा है। तो इस संसार में तरस रहे हैं कि मेरा एक मकान बन जाए, तरस रहे हैं कि मेरा एक वाहन आ जाए, तरस रहे हैं कि मेरे बैंक में भी थोड़ा बैलेंस हो, कर्ज को लेकर के परेशान है, जीवन सिर्फ और सिर्फ कष्टमय व्यतीत हो रहा है। तो वो एक उपाय जो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने स्वयं बताया है, जो आपके जीवन में सुंदर परिवर्तन लेकर के आ सकता है, आपको भोग की प्राप्ति करा सकता है, इस संसार में भोग प्रदान कर सकता है, और वो उपाय है अपामार्गा। अपामार्गा बड़ा साधारण है, या फिर श्वेत कमल के फूल। अपामार्गा या श्वेत या कमल के पुष्प, साधारण श्वेत नहीं ले, साधारण कमल के पुष्प ले ले। अपामार्गा, अगर श्वेत कमल मिल जाए तो बहुत बेहतरीन है। अपामार्गा और श्वेत कमल दोनों में से एक, दोनों नहीं, दोनों में से एक लेकर के बहुत श्रद्धा से जाकर के देवाधिदेव महादेव को अष्टमी तिथि को जाकर के अर्पण कर दीजिए। देवाधिदेव महादेव को अष्टमी तिथि को श्रद्धा पूर्वक जाकर के अर्पण कर दीजिए, और जो भी आपकी कामना है, जो घर के आपकी परिस्थिति है, जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है कि प्रभु मैंने इतने दिन मेहनत कर लिया लेकिन मुझे घर नहीं प्राप्त हो पाया, जिंदगी की इस अवस्था में पहुंच गए अब तक वाहन नहीं प्राप्त हो पाया, जिंदगी की इस परिस्थिति में पहुंच गए लेकिन सुख नहीं प्राप्त हो पाया, जिंदगी की इस परिस्थिति में पहुंच गए लेकिन प्रसन्नता नहीं प्राप्त हो पाई, जिंदगी की इस स्थिति में पहुंच गए संतान, जो भी परिस्थितियां हैं आपकी, जो इस संसार में भोग्य की वस्तुएं हैं, यह मोक्ष नहीं प्रदान करेगा, ध्यान रखिए, यह भोग प्रदान करेगा यह उपाय। बस श्रद्धा पूर्वक ये भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु यदि जाने अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म में मुझसे कोई भूल हुई, कोई पाप कर्म हुआ जिसके कारण इस संसार में हम कष्ट को भोग रहे हैं, तो बस अपनी कृपा प्रदान करें, मुझे इस संसार के सुख की प्राप्ति हो जाए, जो मेरी कामना है इस संसार में वो पूरी हो जाए। बस अपामार्गा और श्वेत कमल लेकर के देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को अष्टमी तिथि को जाकर के अर्पण कर दीजिए, एक लोटा जल श्रद्धा से अर्पण कर दीजिए, देवाधिदेव महादेव आपका कल्याण करेंगे। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं, आप मेरे साथ कनेक्ट होकर के अपने विषय में और बहुत कुछ जान सकते हैं। साथ ही यदि और कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप मुझे समय लेकर के मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आचार्य ज्योति से अपॉइंटमेंट लेकर के आप कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। नए प्रोग्राम ऐसे लेकर आऊंगा, बस सब्सक्राइब शेयर और फॉलो आपको करते रहना है। वेद की उन चीजों को मैं लेकर आपके लिए आऊंगा जो आपके जीवन को बदलने वाले होंगे। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।